हेलो एवरीवन। तो आज ना हम बहुत ही अमेजिंग सा आई मेकअप करने वाले हैं, मतलब पूरा ही मेकअप करने वाले हैं। और ये वाला लुक मैं नवरात्रि के लिए क्रिएट कर रही हूँ। तो मेरे फेस पे कुछ भी नहीं लगा, बस मतलब मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा रखा है और मैंने अपना ब्लाउज़ वेयर कर रखा है रेड कलर का, और मैं इसके साथ गोल्डन बेज कलर की साड़ी वेयर करने वाली हूँ। तो या एंड आज हम वन ब्रांड मेकअप करने वाले हैं जो कि है मार्स ब्रांड का, जिसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है मेरे चैनल पे, तो आप चेक कर सकते हो। और आज हम उसी से बिल्कुल एक अमेजिंग सा मेकअप लुक करने वाले हैं, तो चलो करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा फेस बिल्कुल विदाउट मेकअप, विदाउट फिल्टर यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, और मेरी हेयर की लेंथ ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रखी है अभी। तो चलो अभी हम फर्स्ट सबसे पहले आई मेकअप करेंगे। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये मार्स का ये आई पैलेट। इसमें बहुत सारे कलर है, आप देख सकते हो बिल्कुल बहुत सारे अमेजिंग वाले कलर्स हैं। और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कंसीलर के लिए मार्स का कंसीलर पैलेट, उसमें से मैं ये दो कलर यूज़ कर रही हूँ। अपने लिड पर लगाऊंगी अच्छे से उसको फिंगर की मदद से, मैं फिंगर की मदद से लगा रही हूँ। आप ब्रश स्पंज किसी की भी मदद से लगा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। अब क्रीम लगाया है तो उसको सेट करना ज़रूरी है, वरना वो क्रीज कर जाएगी। तो सबसे पहले फिंगर से डैप डैप करना है आपको, एंड देन उसके बाद आपको कॉम्पैक्ट लगाना है ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए और क्रीज ना हो। फाइन लाइन्स में जो चले जाते हैं ना प्रोडक्ट्स, फिर वो क्रीज कर जाते हैं, अच्छे नहीं लगते। फिर यहाँ पे मैं ये ब्रश यूज़ कर रही हूँ मार्स ब्रांड का, बिल्कुल ऐसे लगते ना बिल्कुल जैसे सोने के ब्रश है ये, बहुत ही अमेजिंग ब्रश है बाय द वे। और यहाँ पे मैंने एक लाइट ब्राउन शेड लिया था, उसको एज अ ट्रांजिशन शेड मैं यहाँ पे ब्लेंड कर रही हूँ आँखों पे। और उसके बाद हम यूज़ करेंगे कलर पैलेट, ये जो लिपस्टिक है हम इसको यूज़ करने वाले हैं। तो इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन है, इसमें से मैं दो शेड ले रही हूँ, एक डार्क ब्राउन है बिल्कुल और एक उससे हल्का लाइट है। उसको मैं उसी के ब्रश से ब्रश में लूँगी दोनों साइड्स पे, एक साइड पे लाइट और एक साइड पे डार्क। उसको फिर आपको ना अपने लिड पर अच्छे से लगाना है, मेक श्योर करना आपकी क्रीज पे नहीं लगाना है आपको, बिल्कुल भी क्रीज के ऊपर नहीं जाना है, मतलब क्रीज के पास भी नहीं जाना है आपको, कुछ इतना रखना है। और उसके बाद जो कलर जो भी क्रीज पे लगाना है वो अब हम लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लिया था और उसमें ना ब्राउन शेड पिक किया था और पूरे लिड पे और क्रीज के नीचे हल्का उसको अप्लाई करा। देन उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से फ्लफी ब्रश ले रही हूँ, जो सबसे बड़ा वाला ब्रश था इस ब्रश किट में, उससे मैंने ब्राउन कलर को अप्लाई किया। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चालाकी करी और कॉम्पैक्ट से हल्का सा और अच्छे से ब्लेंड किया, जिससे काफ़ी अच्छा ब्लेंड होता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने अगेन छोटू वाला ब्लेंडिंग ब्रश लिया है और उस पर डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर को मिक्स करके उसको क्रीज पे और आउटर वी पे अप्लाई कर रही हूँ कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद आपको एक क्लीन ब्रश लेना है और सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर देना है बिल्कुल नीटली। आप चाहो तो बिल्कुल ऐसे ही रख सकते हो, बट मुझे यहाँ पे कलर ऐड करना था और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कलर है, आप देख सकते हो। लेफ्ट राइट घूमो ना तो इसमें कलर चेंज होता है येलो एंड ग्रीन, तो इसलिए हम ये वाला लगाएंगे। तो इसको मैंने लगाया है, इसमें फोर डिफरेंट शेड्स हैं जो कि मेरे पास है, जिसका रिव्यू मैंने शेयर किया हुआ मेरे चैनल पे, आप चेक कर लेना। और उसके बाद फिर से आपको ब्राउन शेड लेके उसको आउटर वी को ब्लेंड कर लेना है। यहाँ पे मैंने काजल लगा लिया, सॉरी लाइनर लगा लिया है और दोनों आँखों का आई मेकअप डन है। और उसके बाद हम बेस मेकअप करने वाले हैं, मतलब आई मेकअप पूरा डन नहीं हुआ है अभी। उसके बाद ये प्राइमर लगाया है मैंने, तो ये प्राइमर मुझे ओके ओके लगा। एंड हाँ, वन मोर थिंग, जो काजल है मतलब लाइनर है वो भी लाइक मुझे उतना खास पसंद नहीं आया, और इसका लाइनर भी मुझे उतना खास पसंद नहीं आया है, तो वो मैं आपको रेकमेंड नहीं करने वाली हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने फेस को सेट किया है प्राइमर लगाने के बाद, ये प्राइमर अच्छा है ओके। देन यहाँ पे हम येलो कंसीलर ले रहे हैं अपने अंडर आई के लिए, बिकॉज हल्का सा ब्लैकिश लग रहा था मुझे, तो मैंने येलो वाला कंसीलर लगा लिया है एंड उसको अच्छे से ब्लेंड करके। और उसके बाद फाउंडेशन मैंने लिया नहीं था क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे मैं अपना पुराना फाउंडेशन यूज़ करने वाली हूँ फिटमे का, उसको अपने फेस पे अच्छे से लगा लेंगे। देन यहाँ पे मैं कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ, क्रीम कॉन्टोर, और उसको अच्छे से लगा के हम ब्लेंड कर लेंगे। और फिर ब्लश के लिए मैं यहाँ पे ये लिक्विड क्रीम वाला जो लिपस्टिक है ना उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने दो शेड लिया, लाइट एंड डार्क पिंक, और उसको अच्छे से फिंगर की मदद से ब्लेंड कर रही हूँ। अगेन आप ब्रश स्पॉन्ज कुछ भी यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद हम फिर से अपने फेस को करेंगे सेट। सेटिंग बहुत ज़रूरी है, अगर आपकी ऑयली स्किन है ना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब तक मेरा सेटिंग स्प्रे ड्राई हो रहा था मैंने आईब्रो फिल कर दिया, अब यहाँ पे मैं अपने फेस को सेट कर रही हूँ इस कॉम्पैक्ट से। इसमें दो शेड मिलते हैं आपको, लाइट एंड डार्क, मतलब एक थोड़ा लाइट है और एक हल्का येलो अंडरटोन में है। उसके बाद मैंने काजल लगाया और
उसके नीचे फिर मैंने ब्राउन आई शेडो से उसको स्मच कर दिया। देन यहाँ पे मैं लगा रही हूँ मस्कारा। मस्कारा वॉज नाइस, कॉम्पैक्ट भी काफ़ी अच्छा है, बस जो लाइनर और काजल है वो मुझे पसंद नहीं आया है अभी तक। आई शेडो तो बहुत ही खूबसूरत है आप देख सकते हो, और मस्कारा आप देख सकते हो एक साइड बिल्कुल जो नहीं लगाया ना वो बहुत ही फीका लग रहा है, और इधर देखो मैंने लगाया था तो बिल्कुल ऐसे फेक लैसेस का इल्यूजन दे रहा था वो। उसके बाद हम यहाँ पे मार्स का ही ये आई शेडो ब्लश एंड कॉन्ट्रोल किट यूज़ कर रहे हैं, ये मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ और मेरा पर्सनल फेवरेट है। उसके बाद हम यहाँ पर रेड लिपस्टिक यूज़ करने वाले हैं, इसी पैलेट से लिक्विड वाला सॉरी लिपस्टिक वाला जो पैलेट है उससे रेड लिपस्टिक लगाया है। यहाँ पर मैंने सिंदूर बिंदी लगा लिया है, और अब मैं आगे के बालों को थोड़ा सा कर्ल करूँगी, हेयर स्टाइल के लिए थोड़ा वॉल्यूम चाहिए था मुझे इसलिए। तो बालों को अच्छे से फ्रंट सेक्शन जो है उसको कर्ल करके बैक साइड में इसको ट्विस्ट करके मैं क्लिप कर दूंगी अच्छे से। सो एक हल्का सा वॉल्यूम ऐड हो जाता है इससे, और बैक साइड में जो बन बनाएंगे उसमें भी काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आ जाता है थोड़ा सा अगर कर्ली हो बाल तो। सो आप खुला भी रख सकते हो, पर मैंने यहाँ पे बन बना लिया था। सो सिंपली बस राउंड करके और उसमें यूपिन की मदद से मैंने सेट कर लिया था बालों को। यहाँ पे मैंने कोई गजरा नहीं लगाया है, मेरे पास एक नेकलेस था उसको मैंने अप्लाई कर लिया। चलो फाइनल लुक देखते हैं अभी।